एक केस बीपीटीपी का सामने आया है जहाँ पर एक परचेजर को उन्होंने 259 स्क्वायर यार्ड जमीन ऑन रिकॉर्ड बेची और उसमें से लगभग 36 गज जमीन किसी और प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिल्ट अप थी। तो बीपीटीपी ने ये माना है कि उनसे गलती हुई है और उनने समय लिया है 30 दिन के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिव उससे 259 की बजाय बड़ी साइट ऑफ चॉइस ऑफ द लिटिगेंट उनको वो ट्रांसफर करके देंगे एट देयर ओन कॉस्ट। जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रवक्ताओं को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे मीडिया में पार्टी का पक्ष है, उसके ऊपर एक सेमिनार चल रहा है। मैं तो अच्छा मानता हूँ कि एक स्टेप लिया गया है और आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक सेक्टर में जहाँ बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, एमएसएमई को भी पूरी तौर पर प्रभावित कर अपने प्रदेश में लाने का काम किया और आज देश के टॉप 3 प्रांतों में आना बड़ी अचीवमेंट। और हमारा तो टारगेट है कि इस बार अगर हम 3rd आए हैं तो अगली बार एमएसएमई को सुविधाएं और बेहतर कर और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनको टॉप फर्स्ट पोजीशन पर लाने का काम। सर एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, आपने कहा कि कई विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन एक कुछ अखबारों में आज इस तरह की खबर भी थी कि 3 नगर निगम की तैयारी विद और विदाउट गठबंधन आप लोग तैयार। आप चिंता न करें, मिलकर अखबार कुछ लिखता है उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ। हमारी तरफ से मिलकर लड़ने का निर्णय है और वो रहेगा। आगे चुनाव को डिक्लेयर होने दीजिए।